जी, हमारी ये तंजीम जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दिसंबर 2016 में बम्बई में जन्मी है, इसका बुनियादी मानना ये है कि आज दुनिया भर में मुसलमानों के सामने तरह तरह के परेशानियां हैं। दे आर द टारगेट्स ऑफ इंटॉलरेंस, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ हेट, ऑफ वायलेंस इंटरनेशनली थ्रू इस्लामोफोब्स एंड इन इंडिया थ्रू द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। तो मुस्लिम समाज के सामने ये प्रॉब्लम तो है ही, साथ साथ में अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी इंटॉलरेंस बढ़ रही है। एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू अस हु आर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप इंटॉलरेंस को इंटॉलरेंस से नहीं लड़ सकते हैं। इंटॉलरेंस कैन नॉट बी दी आंसर टू इंटॉलरेंस। इफ यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू कान बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो देयर फॉर अनदर वे हैज़ टू बी फाउंड। आई एम एस डी सब्सक्राइब्स टू द व्यू दैट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इक्वालिटी, जस्टिस, कंपैशन एंड पीस, दीज कोर वैल्यूज ऑफ इस्लाम, वी बिलीव आर द कोर वैल्यूज ऑफ इस्लाम, आर इन कॉन्सनेंस विथ द प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑल्सो दोज एनश्राइंड इन द यूनाइटेड 1948 यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस्लाम के बुनियादी उसूलों में और जो संविधान में, जो आइन में, जो दस्तूर में है इस मुल्क के, और जो यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में मानव अधिकार का डिक्लेरेशन है, उसमें कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं है, हमारा ये मानना है। चूंकि हम मानते हैं कि हमारी पहली जिम्मेदारी मुस्लिम समाज के अंदर के जो मसाइल हैं उनसे एड्रेस करना है, इसलिए हमारी प्रिंसिपल एम्स, हमारी तीन जो प्राइमरी एम्स जिनको हम कहते हैं, वो ये है टू कम्बैट इंटॉलरेंस, टेंडेंसीज ऑफ इंटॉलरेंस, ऑफ सुप्रीमेसिज्म, ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ऑफ वायलेंस विद इन द टेररिज्म विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, इनसे जूझना, तंग नज़री, कठमुल्लापन, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के जो टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, ये हमारा समाज के ऊपर आरोप नहीं, समाज के अंदर ये जो बुराइयाँ फैल रही हैं आज, उनसे लड़ने का, उनसे मुकाबला करने का, ये हमारा पहला एम है। हमारा दूसरा एम है टू प्रमोट जेंडर जस्टिस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर शोबे में औरतों को इंसाफ और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारा दूसरा मकसद है। और तीसरा मकसद हमारा ये है कि हम आप अक्सर मुस्लिम, आपके जो मुस्लिम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनसे बात करें तो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि जिस इस्लाम के माहौल में हम पले और बढ़े थे वो इस्लाम कुछ और था, आज हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में जो इस्लाम की बात हो रही है, ये इस्लाम कुछ और है। तो वो जो परंपरा थी, और दिल्ली के रहने वाले तो हजरत निज़ामुद्दीन का नाम आप नाम ही नहीं सुना होगा, उनकी परंपरा से भी परिचित होंगे, वाकिफ होंगे। टू रिजुविनेट दैट ट्रेडिशन विद इन इस्लाम विच वॉज टॉलरेंट, विच बिलीव्ड इन म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। ये हमारे तीन जो है तो प्राइमरी एम है। मैं मुख्तसर मुख्तसर बोल रहा हूँ ताकि फिर और भी साथी, हम आज के मीटिंग के मकसद जो है उसके लिए उसकी तरफ ध्यान देने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ IMSD, हमारे कुछ बुनियादी उसूल हैं जिसके ऊपर ये तंजीम खड़ी हुई है। हमारा मानना है कि इस तरह की तंजीम की आज बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को भी और दुनिया भर में। इस तरह की तंजीमें दूसरी जगह भी जन्म ले चुकी हैं,
मिसाल के तौर पे ब्रिटिश मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ब्रिटेन में है, सिंगापुर मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी सिंगापुर में है, मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेसिव वैल्यूज़, मुस्लिम्स फॉर टुमारो, इस तरह के नाम के तंजीमें आपको यूरोप और अमेरिका और कनाडा में भी मिलेंगी। तो हम इस प्रोसेस का अपने आप को एक हिस्सा मानते हैं। हमारी बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें पहला प्रिंसिपल ये हुआ कि अफेयर्स ऑफ स्टेट शुड बी केप्ट कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम मैटर्स ऑफ फेथ। मजहब के मामले को और सियासत के मामले को एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए। हम थियोक्रेटिक स्टेट के सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया भर में सेकुलर स्टेट हो। हमारा सेकुलर स्टेट से मतलब जो है तो एंटी रिलीजियस बिल्कुल नहीं है, मगर मज़हब और सियासत, रिलीजन एंड स्टेट का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी सेकुलर स्टेट हो, पाकिस्तान में भी हो, ईरान में भी हो, सऊदी अरेबिया में हो। हम उन मुस्लिम तंजीमों या मुस्लिम इंडिविजुअल्स की तरह नहीं सोचते हैं जिनका ये मानना है कि जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में हो वहाँ पे सेकुलर स्टेट हो, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में हो वहाँ इस्लामिक स्टेट हो। हम नहीं मानते हो। हम रिलीजियस फ्रीडम पे विश्वास रखते हैं। वी बिलीव इन रिलीजियस फ्रीडम। हमारा मानना है कि द फ्रीडम टू बिलीव इंक्लूड्स द राइट नॉट टू बिलीव। धर्म का आधार किसी को मानने का हक है तो किसी को ना मानने का भी हक है, हमारे संविधान ने भी दिया हुआ है। और बहुत सारे मुसलमान मौली साहब भी आपको लाइक रहा फिर दीन सुना देंगे, मज़हब में कोई जबर नहीं है। और ये यही जो है तो यूएन के प्रिंसिपल्स में भी है। तो द राइट टू बिलीव इंक्लूड्स द राइट नॉट टू बिलीव। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोचने और बोलने की आज़ादी, हम इसके फेवर में हैं। हम अपोस्टेसी का फतवा, मुर्तद का फतवा, उसके बिल्कुल और सख्त खिलाफ है कि अगर आपने मुर्तद का फतवा लगाने की बात की तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ जो है तो आप जो तो मज़हब की आज़ादी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ ये फतवे भी लगा रहे हैं। ये तो कुछ जो है तो डबल स्पीक वाली बात हो गई। हम इसके खिलाफ हैं। हम ये हम मोटी मोटी कुछ आपने उसूल बता रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि औरतों को ये पूरा हक है कि वो तय करें कि उनको किस तरह से ड्रेस करना है। हम इसके खिलाफ हैं कि उनके ऊपर बुरका थोपा जाए, और हम इसके खिलाफ भी हैं उनके ऊपर बिकनी थोपा जाए। वेमेन शुड हैव द राइट टू डिसाइड देयर ओन दिस थिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो मेरा हमारी समझ में, IMSD के समझ में, सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट का, राज्य का हर नागरिक से, हर सिटीजन से डायरेक्ट एक रिश्ता होता है। नागरिक नागरिक बराबर होता है, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो IMSD जब मानती है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं भी होना चाहिए, अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, दलित और ब्राह्मण के बीच नहीं है, तो मुस्लिम औरत और मुस्लिम मर्द के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के भी खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि मुसलमानों को भी उतना ही हक है अपने धर्म के पालन का, मज़हब के पालन का, जितना कि गैर मुस्लिम का है। तो अगर मुसलमान इस मुल्क में या किसी मुल्क में उनका यह मानना है कि वहाँ पर उनको मस्जिद अपनी बनाने, अपने तरीके से प्रार्थना करना, नमाज पढ़ना, इबादत करना जो है तो उनका हक होना चाहिए, तो उसी तरह से हिंदुओं का, ईसाइयों का, बुद्धिस्टों का, बाकी मज़हब वालों का भी उतना ही हक है। तो हम ये गलत मानते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो है तो किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जो है तो अपने हिसाब से इबादत करने की, पूजा करने की कोई परमिशन नहीं है, वहाँ पर मस्जिद मंदिर अलाउड नहीं है, वहाँ पर गिरजा अलाउड नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। तो ये हमारे कुछ मोटे मोटे उसूल हैं। वक्त की कमी है तो फिर आगे और चर्चा में बात होगी। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँ। खाली एक बात जोड़ दूँ कि ये जो है तो हमारी तंजीम में जो कुछ नाम हम आपके सामने रख दें कि ये जो दिसंबर में मीटिंग हुई थी तो इसमें करीब 25 शहर फ्रॉम 25 डिफरेंट टाउन्स
ऑफ इंडिया, उसमें जो तो लोग आए थे महाराष्ट्र के ज़्यादा थे, पहली शुरुआत थी, बाकी के कम थे। मगर दिल्ली का चैप्टर मार्च महीने में बना है, अगले दो तीन महीने में इलाहाबाद का चैप्टर, चेन्नई का चैप्टर, और महाराष्ट्र में तीन चार शहरों में सोलापुर, पुणे, सतारा वगैरह में चैप्टर बनने की पूरी आशा है। मैं आप सबका धन्यवाद। पहले तो मैं इस बात से शुरू कर दूं कि ये वाजह कर दूं मैं कि जो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने है ट्रिपल तलाक का, उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। लेट मी बिगिन विद साउंडिंग दिस कैवियट दैट वी आर अवेयर दैट द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक इज बीइंग मिसयूज्ड बाय सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज टू क्रिएट एनिमोसिटी एंड ए सेंस ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ as if everything is fine with all other women in this country. This is a pure gender justice issue, and we urge all of you here, our friends in the media and otherwise, to not make it a Hindu-Muslim issue. It's a pure issue of gender justice, and that is how we look at this issue. Having said that, since the issue is now before the apex court, and the highest court of the country is expected to take a call and decide and make a judicial pronouncement on the issue, one obviously must take a stand. And our stand, so far as the IMST is concerned, our stand in brief is this. There are three issues before the Supreme Court: triple talaq, halala, and polygamy. We consider all three of these not only as unconstitutional, but also as un-Islamic. And let me just briefly tell you what this issue of triple talaq is about. I will take just a minute and a half to tell you that and then come back to our stand on it. We support the petitions that are pending in the Supreme Court to seeking a declaration that triple talaq is unconstitutional. We oppose the stand of parties like the All India Muslim Personal Law Board, who have said that yes, it is un-Islamic, but it cannot be declared as unconstitutional. In our view, it is a completely preposterous opinion, and I think it's a distinction without really a difference. What is triple talaq, the issue that is pending before the Supreme Court? You see, the Islamic law prescribes an exhaustive code of pronouncing talaq, and what most people do not know is that Islamic law gives the woman and the man an equal right to divorce the spouse. Now what happens is, if a woman wants to divorce and initiate the divorce, she goes to her husband, tells him that I don't want to live with you. This is the theory of irretrievable breakdown of marriage, which is not present in any other law in India. It's the most progressive theory of irretrievable breakdown. If the husband does not agree, then she either goes to a qazi or to a judicial authority, and that authority has no option but to grant the divorce. But when it comes to Muslim men, what happens is that they simply pronounce a divorce and the marriage is dissolved. Now, Islamic law prescribes an exhaustive code on how this divorce is to be pronounced. There are three phases in which it has to be pronounced. What is now happening in India is that Muslim men, in order to attain some kind of finality to this divorce, attach some kind of finality to this divorce, pronounce what is called a triple talaq or a triple divorce. Teen bar talaq keh diya. तो अब मौलाना आपसे ये कहेंगे कि साहब तलाक तो अब हो गई, चाहे आपने गुस्से में कही हो, चाहे आपने शराब के नशे में कही हो, या जैसे भी कही हो, तलाक तो अब हो गई तो क्या होगा? तो इसलिए नाउ यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ हलाला, और जब तक हलाला नहीं होगा तब तक आप दोबारा अपने इन शौहर से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो लाख सर पीटते रहें कि नहीं भैया मैं तलाक नहीं देना चाह रहा था। नाउ दिस इज द इग्नोमी, दिस इज द ह्यूमिलिएशन दैट द मुस्लिम वुमन हैज टू गो थ्रू। We are absolutely against this. This is not the Islamic law. It has been proscribed, it has been banned, prohibited in almost all Muslim countries. India is perhaps the only country with such a large Muslim population where this is still going on. Even in countries like Pakistan, it has been absolutely banned. Now, if triple talaq is banned, halala also goes, because it is intrinsically connected to triple talaq. The third issue, and may I tell you this, that the Delhi High Court in the year 2007, in a judgment of Justice Badr Durrez Ahmad, the High Court speaking through Justice Badr Durrez Ahmad, has said that, and these are his words, he says that I hereby hold that the effect of every triple talaq pronounced shall be that of a single talaq. So far as the law is concerned, at least in Delhi, and there is no contrary ruling of any other High Court, therefore all over the country, triple talaq is already illegal.
The Supreme Court needs to clarify this by way of a judicial pronouncement and declare in terms that triple talaq it militates against Articles 14, 19, 21 of the Constitution of India. And let me also quote another provision. There is Article 51A in the Constitution, which is a fundamental duty of every citizen. And 51A says that practices which are derogatory to women shall be renounced. Ke khawatin ke waqar ko jo is tarah ki practices hain jo jinki unki tauheen karti hain, khilaf warzi karti hain, wo practices jo hain wo khatam ki jayengi, they will be renounced. Triple talaq and halala are practices which are derogatory to women. Finally, on the issue of polygamy, there are various stringent conditions prescribed under Islamic law, under the Shariat, for polygamy. We are of the opinion that in a modern society like the one we today live in, such conditions cannot be fulfilled. And therefore, polygamy as it is practiced today is absolutely un-Islamic. Again, it is also unconstitutional. Again, it violates the guarantees to the Muslim women given under Part 3 of the Constitution, as well as Article 51A, which I have just cited. But the other thing that I want to say is that a complete codification of Muslim law is required. Much more needs to be done. Not only these three practices, but other practices which are unilateral, which are arbitrary in nature, which leave the woman fending for herself, running from pillar to post, all these practices need to be considered. A comprehensive legislation is required for this. We have to codify the Muslim law, which is hitherto uncodified. Let us begin with that, and we hope that till such time as a proper legislation is in effect, the Supreme Court will step in and dislodge the vacuum that has been created in favor of giving Muslim women their constitutional guarantees. Thank you very much. Jo legal provisions hain and the case before Supreme Court, which has been explained by my colleague, what I want to touch upon is that in last 2 or 3 months, there are so many BJP leaders, including Prime Minister himself, you know, at least 3 or 4 times Prime Minister himself has talked about this issue of triple talaq, and UP Chief Minister has said, and various other ministers of this central government, and as if there is no other issue which is affecting women or Muslim women. You know, there are hundreds of other thing which are being, the rights and human rights are being violated of general public. It is very clear that the attempt is to politicize and communalize, and we condemn this. We are totally against this. Not only BJP, any political party should not get into this game of playing one community against other. The matter is before the apex court. Supreme Court will go into all details, and as my colleague said, that things are so clear, and they will pronounce a judgment. The second thing I would like to say is that after the judgment is delivered, depending upon what the court says and what is the response of the Muslim Personal Law Board, my appeal to my friends in media is that please, I'm sure you will be going to Muslim Personal Law Board members, for their response and all that. Please contact us also. It is our we feel that Muslim Personal Law, if the judgment is that this practice should be banned, Muslim Personal Law Board will not accept this. And at that moment, we would like to come out, and we have been, it is not the first time we are talking about this. It is because the court is hearing this issue. That's why we have called a press conference. Our members have been looking into all such matters at different places and in different cities of India, wherever women are being discriminated against,
we have been fighting against those people, you know. And on this issue now, since it has reached a stage where it needs to be actually fought on the street, Muslim Personal Law Board is going to oppose if this triple talaq is banned, and we are very well aware of this, and we are prepared that we will not accept this. Muslim Personal Law Boards, whatever want to say, should say in court, and once the judgment is done, it is done. Everybody has to accept that. My appeal to media is also that when you take up such issues, and you know, specifically television channels, you know, you are also trying to play some game, you know. I mean, there are you know, you will find some mullah, you will find, you know, two three women, and you will you know, try and organize a tutu meme, game there, you know. Please, I mean, television channel specifically should not do that. This is a very serious matter. It is a matter of women rights, and we and many other. I mean, this is just a few people sitting here. All across India, that there are whole lot of Muslim you know, people who have been totally against these practices. And please take our opinion also into account. Thank you very much. आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान औरतों के जो इशू हैं, मुसलमान औरतों की हमदर्दी का जो मुल्क में पूरा एक बहुत बड़ा सा नाटक चल रहा है, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैं ज़मीन से हूँ. और सबसे बड़ी बात ये हो रही कि जिस तरह का इसका पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, वो एक तरह से हमारी गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में नफ़रत पैदा करने के लिए हो रहा है, और ये दिखाने के लिए हो रहा है कि इस्लाम कितना जालिम, कितना औरतों के ख़िलाफ़, कितना गरीबों के ख़िलाफ़ है, कितना बच्चों के ख़िलाफ़ है. उन सारी चीज़ों पे न जाते हुए मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहूँगी. 2011 और 2015 के बीच में एक आरटीआई एक साथी ने डाली थी, और उसकी जो रिपोर्ट आई है, चार स्टेट के करीब 8 डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, इन बरसों में मुसलमान औरतों के साथ जो तलाक हुए, जिस तरह की तलाक की बात की जा रही है, वो 1307 हैं. और जो इस मुल्क की मेजॉरिटी ग्रुप में है, वो 16,505 हैं. क्रिश्चियन में 8,000 के आसपास है. तो ये जो आंकड़ा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस बात को बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, दो दिन पहले उन्होंने कहा कि मुसलमान मेरे साथ आएं और मेरी बात की तायीद करें, अगर वो औरतों के इतने हमदर्द हैं, तो मेरा सवाल आपके ज़रिए इस मुल्क से है कि अखलाक, पहलू खान, इश्तियाक, मिनहाज, इनको झूठ से जो मारा गया और पीट पीट के मार डाला गया बहुत ब्रूटल तरीके से, उनकी औरतों के बारे में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की कोई हमदर्दी नहीं है? वो कैसे ज़िंदा हैं, वो कैसे ज़िंदा रहेंगी, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो जो जानवरों को बेचने का पेशा कर रहे हैं, वो कैसे ज़िंदा रहेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी जो अहम बात हो रही है, वो ये हो रही है कि इसको जिस तरह से उठाया जा रहा है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो बहुत ख़तरनाक तरीका है. पूरे मुल्क में जिस तरह से बंटवारा हो गया है, हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जरा सी भी बात होती है तो वो जिस तरह से, मतलब जो गाली गलौज में आ रहे हैं, जो जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, ये अपने आप में मुल्क की एक माइनॉरिटी की बड़ी मेजॉरिटी को साइडलाइन, न सिर्फ साइडलाइन करने की, बल्कि एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इस बात को सामने लाया जा रहा है. और तमाम तरह के लोग, और इतने बुरे और इतने गंदे बयान जो आ रहे हैं, हम अभी कुछ दिनों पहले एक मिनिस्टर ने जो बात कही है, मिनिस्टर ने आपके यूपी के मौर्य जी ने, मैं उसको इस मंच से बहुत बुरी तरह कंडम करती हूँ, जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि हवस मिटाने के लिए मुसलमान शादी करते हैं. एज ए फीमेल मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर कैसे हवस मिटाएंगे? वो शादी कर रहे हैं ना. मतलब ये जो अजीब तरह की बातें समाज में चलाई जा रही है, जाहिलों की तरह ये बात हो रही है, क्या इस मुल्क में बेरोज़गारी इशू नहीं है? 89% बेरोज़गारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ख़त्म हो गई, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं पिछले 3-4 सालों में, उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं. हम महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहे हैं.
हम एक इशू उठा लिया है कि मुसलमानों में तीन तलाक होते हैं, जिस तरह के तलाक होते हैं उस तरह की चीज़ों पर एक पूरा काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ के साथ हम लोग हैं कि हाँ इस तरह के तलाक को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसको यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे साथियों ने ये वाली बात कही है, मेरी आप सब से सिर्फ यही गुजारिश है कि मुल्क के लोग इस बात को समझें कि ये एक साजिश है इस मुल्क को फिर से दोबारा तोड़ने की, ये साजिश है हमारी गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की, ये साजिश है कि किस तरह से हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से साथ रहते हैं, और इन तमाम बातों के साथ साथ एक पूरी की पूरी तरह से एक जहरीला माहौल पैदा करके, एक राजनीति करके और औरतों को ही मुद्दा बनाकर। क्या हमें रिजर्वेशन याद नहीं है? रिजर्वेशन बिल पर किस तरह से औरतों के कंधों पर रख के बंदूक चलाई और आज तक 33% रिजर्वेशन बिल अटका हुआ है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है IMSD की तरफ से भी कि अगर आप औरतों के इतने ही हमदर्द हैं, तो औरतों के, हम तमाम औरतों की बात कर रहे हैं, वृंदावन में, हरिद्वार में, मथुरा में जो औरतें हैं विधवाश्रमों में, आप वहाँ भी जाइए, उनको भी इंसाफ दिलाइए, उन्हें भी लाइए। हमारा दर्द इस मुल्क की हर औरत के साथ है। हम सिर्फ मुसलमान औरत को हाशिए पर रख के न उसकी लड़ाई को देखते हैं न उसकी परेशानी को देखते हैं। बहुत शुक्रिया।